What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer, welcome to Study Lover. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वित्तीय आयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने काफी बातें डिस्कस करी थी. उस टाइम पर मैंने आप लोगों को क्रिटिसिज्म करते हुए बताया था कि किस तरीके से हमारी प्लानिंग कमीशन ने फाइनेंस कमीशन के भी फंक्शन हथिया लिए थे. तो अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है प्लानिंग कमीशन. हालांकि बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी बात आएगी कि प्लानिंग कमीशन तो हमारे यहाँ से खत्म हो चुकी है, फिर इसको पढ़ने का क्या मतलब है. इसको पढ़ने का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगा अगर आप उठा के देखेंगे 2015 का IAS का प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर. वहां पर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किसने रिप्लेस किया है हमारे यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को. तो प्लानिंग कमीशन की थोड़ी तो कम से कम हिस्ट्री आप लोगों को पता होना चाहिए, कम से कम स्ट्रक्चर क्या थी, हल्का सा क्या काम करता था प्लानिंग कमीशन. क्योंकि आपने पढ़े होंगे 5 ईयर प्लान, तो बहुत सारे 5 ईयर प्लान भी अब तक चले हुए आ रहे थे हमारी हिस्ट्री में, उससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. तो इन सब मुद्दों को देखते हुए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ में प्लानिंग कमीशन भी बता देता हूँ, ताकि कोई भी आपका जो पार्ट है, जो कोई भी क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, वो छूट ना पाए और आप लोग डॉट को कनेक्ट कर सकें अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से फ्यूचर में पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में. और थोड़ा कई बार इसका क्रिटिज्म इस लेवल पर भी जाकर होने लगता है कि अगर कोई ऐसी बॉडी बना दी जाती है हमारी कंट्री में जो कि ना तो जो कि ना तो स्टैचुटरी बॉडी है, मतलब ना तो पार्लियामेंट में कोई एक्ट बनाकर लाई गई है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचा सकती है, और किस तरीके से एक ऑटोक्रेटिक रूल लाने में भी हेल्प करती है ये इस तरीके की बॉडी. तो इस तरीके की बॉडी को किस तरीके से यहाँ पर हमारी कंट्री में कंट्रोल रखना चाहिए अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. तो ये सब बातें भी आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी. आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा कि प्लानिंग कमीशन कैसे कैसे वर्क करती है, कब स्टेब्लिश की गई. तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मार्च में, अगर मैं बात करूँ 1950 में, आखिर सबसे पहला क्रिटिसिज्म तो यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि यार आप लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट कब किया. आप लोगों को पता है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 ठीक है ना, तो इस दिन हमने सारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडेप्ट कर लिया था. तो मतलब 26 जनवरी को आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्ट कर रहे हैं और एक महीना बाद ही आप लोगों को कैसे, कौन से चक्षु आप लोगों के खुल गए कि आप लोगों को एक ऐसी बॉडी का नाम याद आ गया कि जिसको आपने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रख दिया. सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए इसका देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया. तो सीधा सीधा फंडा ये था कि यार कोई भी पावर ऐसी न रह जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई पावर दी जाती तो सीधा सीधी बात क्या देखने को मिलती कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बॉडी है तो प्रॉपर वे में काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगी. अगर कोई प्लान बना के उसको इंप्लीमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन से हिसाब से काम चलना पड़ेगा वहां पर, तो काम को इंप्लीमेंट करने में देरी हो जाएगी और गवर्नमेंट के हाथ में इतनी पावर भी नहीं रहेगी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के हिसाब से काम किया जाएगा. पर लेकिन अगर कोई बॉडी प्लानिंग कमीशन के तरीके की रहेगी जो कि इनके अंगूठे के नीचे रहे, जब चाहे उससे जो भी काम निकाल लिया जाए, तो सीधा सीधा बात ये आई निकल गई कि गवर्नमेंट ने अपना खुद की पावर को मेंटेन रखने के लिए इस तरीके की बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया, वरना इसको कॉन्स्टिट्यूशन में भी रखा जा सकता था. एक महीने बाद कोई ऐसा जादू का चिराग नहीं घिस दिया इन लोगों ने कि प्लानिंग कमीशन बना के रख दी इन्होंने एक महीने बाद ही, ठीक है. तो इस चीज को लेकर इनका क्रिटिसिज्म भी होता है कई बार प्लानिंग कमीशन का. ओके, तो सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिलती है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है. एग्जीक्यूटिव बॉडी का क्या मतलब है, ये हमारा जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, जिसको हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, उसी में से निकाला जाता है. आप लोगों ने देखा होगा यूनियन कैबिनेट भी आप लोगों को देखने को मिलता है. लास्ट लेक्चर सारे डिस्कस कर चुका हूं इनसे रिलेटेड, जिसने नहीं देखे हैं सारे लेक्चर देख लीजिएगा, नीचे प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा जिसको कोई आइडिया नहीं है इनके बारे में. तो उससे आगे तब आप लोग चल के आएंगे तो तब सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है. इसके ऊपर पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है. तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है. एग्जीक्यूटिव बॉडी एक ऐसी बॉडी रहती है जिसको ना तो पार्लियामेंट में ला के द्वारा पास किया जाता है, मतलब पार्लियामेंट में बिल रखा जाए उसके बाद में लोकसभा या राज्यसभा में पास किया जाए, फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होए, तो वो एक प्रॉपर तरीका होता है कोई भी हमारे यहाँ पर एक एक जो स्टैचुटरी बॉडी बनाने का. पर लेकिन ऐसा कोई भी इसके ऊपर कार्यक्रम नहीं किया गया, तो पहली बात तो इसकी यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या बोला गया, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैचुटरी बॉडी है, ना ही इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है और ना ही पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया कोई एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है. तो सीधा सीधा क्या मतलब हो गया, एक तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और दूसरा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है.
तो दोनों बातें आप लोगों को यहां पर जानने को मिली। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता था उस टाइम पर, हो सकता है फ्यूचर में भी पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था, इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लानिंग कमीशन को अमेंडमेंट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से निकाला गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो अमेंडमेंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक तरीके से देखा जाए, स्टैचुटरी बॉडी भी नहीं है, तो हमारे पार्लियामेंट में भी सबका कोई रिलेशन नहीं था। एक तरीके का एडवाइजरी जो प्लानिंग बोर्ड था उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, ठीक है ना। तो जो एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड था उसके जो चेयरमैन थे केसी, ये आप लोग नाम याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो केसी ये है निगोय, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। इनकी एडवाइजरी जो टीम थी उनके द्वारा एडवाइज किया गया था कि इसको हमको बनाना चाहिए प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। तो उस टाइम पर इसको देखिए, अगर देखे आप यहां पर देख सकते हैं कब इसको एडवाइज किया गया था, 1946 में। तो चाहते तो इसको आराम से कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जा सकता था, पर नहीं रखा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं फिर भी इसको कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रखा गया, तो यही बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी फ्यूचर में देखने को मिलता है प्लानिंग कमीशन का। तो कोई भी वर्ड इससे रिलेटेड आ जाए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बोला जाए, हाँ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यहां पर बोला गया है, मतलब नॉट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके द्वारा नॉन स्टैचुटरी बॉडी मतलब नॉन क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। तो कोई भी नाम आ जाए आप लोगों को इससे रिलेटेड, आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर भी लेक्चर आप लोगों का अवेलेबल है, यहां पर मैंने बनाया है कि क्या डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैचुटरी बॉडी में, ये भी इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल है, मैं बना चुका हूं इसके ऊपर कंप्लीट लेक्चर, तो देख लीजिएगा माइंड में क्लैरिटी आएगी, ओके। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कोई भी नाम आता है तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए इससे रिलेटेड। इसके द्वारा क्या बोला जाता है आगे फिर यहां पर कि इंडिया में ये एक सुप्रीम ऑर्गन के नाम से इसको रखा गया, मतलब सुप्रीम ऑर्गन था ये प्लानिंग करने का, सबसे हाईएस्ट बॉडी थी हमारी कंट्री में जिससे प्लानिंग कमीशन बोला जाता था, जिसके द्वारा 5-ईयर प्लान आप लोग देख सकते थे, जो 5-ईयर प्लान बनाए जाते थे, तो उसकी सुप्रीम बॉडी था, मतलब इससे ऊपर कोई बॉडी नहीं था जो प्लान बना सके, यही एक बॉडी था, ठीक है। तो जिसको हमने सुप्रीम ऑर्गन भी बोला है प्लानिंग का, अगर प्लानिंग का देखा जाए तो सुप्रीम ऑर्गन था ये, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि इसको रिप्लेस करके आज की डेट में हम लोग क्या लेके आ गए, नीति आयोग लेके आ गए हैं, ठीक है। क्यों, उसका रीजन आप लोगों को आगे भी देखने को मिलेगा अभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, असली लड़ाई थी इसके ऊपर फंक्शन के ऊपर। देखिए स्टार्टिंग में क्या बात हुई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो नॉर्मल सी बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया तो सारे फंक्शन वहां पर डिवाइड कर दिए गए, ठीक है ना, कि हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको क्या फंक्शन देना है, फाइनेंस कमीशन है उसके क्या फंक्शन रहने हैं, तो सबको अपने अपने काम डिवाइड कर दिए कि भैया आप लोगों के ये काम है और आप लोगों के हैं ये काम। अब क्या प्रॉब्लम आ गई, जब आप लोग कोई नई बॉडी बना के लेके आ रहे हैं जो गवर्नमेंट जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां से उसके लिए कोई नए नए काम निकल के आ रहे हैं, तो नए नए कामों के लिए भी आप लोगों को एक नया पॉइंट आप लोगों को आगे भी जानने को मिलेगा, जिसमें मैंने इसका नाम दिया है यहाँ पर डस्टबिन, मतलब वो आपको आगे जानने को मिलेगा। पर यहाँ पर क्या चीज आप लोगों को देखनी है, यहाँ पर ये देखनी है कि इसको स्टार्टिंग में कुछ तो फंक्शन देने पड़ेंगे ना, तो कहां से वो फंक्शन निकल के आएंगे, वो फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उससे निकल के आएंगे। तो कुछ फंक्शन यहाँ पर उठा के इन्होंने देने स्टार्ट कर दिए, जो कि हमारे फाइनेंस कमीशन के फंक्शन थे, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन के काफी सारे फंक्शन, काफी सारे मैटर जो फाइनेंस कमीशन के पास जाया करते थे, वो इन्होंने उठा उठा के प्लानिंग कमीशन को देना स्टार्ट कर दिया, और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म प्लानिंग कमीशन को देखने को मिला। क्यों, क्योंकि ये तो थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हमारे संविधान में इसको बनाया गया था, इसको रखा गया था कि इस तरीके से यहाँ पर फाइनेंस कमीशन होना चाहिए, और किस लिए होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि जो सेंटर के पास में जो टैक्स का कलेक्शन आता है किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उस मैटर के लिए इसको बनाया गया था। अब वो मैटर इस तरीके कई सारे फंक्शन यहाँ पर देखने को मिला, प्लानिंग कमीशन के पास जाने लगे और प्लानिंग कमीशन को ही अथॉरिटी दे दी गई। तो ये तो एक दूसरा एंगल हो गया, पहले अभी देख लेते हैं कि नॉर्मली क्या किस चीज लिए इसको बनाया गया था, जो इन्होंने तर्क रखे थे। सबसे पहला तर्क क्या रखा था कि हमारे यहाँ पे जो भी मेटीरियल है, जो कैपिटल है या ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो उनको किस तरीके से एक तरीके से ढंग से अच्छी पॉसिबिलिटी के तरीके से उनको यूज करना है, मतलब सबसे अच्छे से मोस्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन का नाम ही देख लीजिए यार, सीधा सीधा बात प्लानिंग से निकल के आती है। आप लोगों को बताया जाता है कि टाइम टेबल बना लो, तो टाइम टेबल क्यों बनाना है भैया, प्लानिंग करनी है, कहीं की प्लानिंग करनी है, एग्जाम की प्लानिंग करनी है, यार अभी कुछ दिनों बाद एग्जाम आ रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा प्लानिंग कर लेता हूं, तो सीधा सीधा नाम देखने को क्या मिलता है कि प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो किसी न किसी चीज की तो प्लानिंग देखने को मिलेगी कि क्या मटेरियल है, क्या कैपिटल है, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे यहाँ के, तो उनके बेस पर उनकी प्लानिंग की जाए कि किस तरीके से मोस्ट इफेक्टिवली उनका यूज हम लोगों को करना है अपनी कंट्री के जो हमारे पास में रिसोर्सेज है,
ठीक है। इसके अलावा क्या बात होती है कि किस किस रिसोर्सेज को हमको प्रायोरिटी देनी है, मतलब किसको कुछ को मान लीजिए कोई रिसोर्स ज्यादा है उसको हमको ज्यादा यूज करना है, ठीक है, कोई कम है उसको हमको आराम आराम से देख देख के यूज करना है, सस्टेनेबल यूज करना है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है, उनका ऐसा नहीं है कि अपने हिसाब से सबको निपटा डालें यहाँ पर, वो सारी बातें भी हमारे माइंड में रहती है। तो वो सब कब रहेंगी, जब हमारे पास में एक प्लानिंग होगी, तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, प्लानिंग कमीशन के सारे ऐसे ही मैटर देखने को मिलेंगे, तो रिटर्न वाली कोई बात ही नहीं रह जाती है। सीधा सीधा आप लोग सोच सकते हैं कि यार अगर मैं घर में बैठा हूं, घर का मुखिया हूं, तो क्या क्या मुझे अपने उसके लिए प्लान करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप लोग कंट्री का मुखिया के तौर पर सोच सकते हैं कि कंट्री का मुखिया आप लोग को बना दिया जाए, मतलब प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को बना दिया जाए, तो प्राइम मिनिस्टर होकर आप लोग क्या सोचेंगे, तो सीधा सीधा फंडा वही आप लोगों के माइंड में आएगा कि अपनी कंट्री के सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है, हमारे यहाँ पे जो ह्यूमन है किस तरीके से उनको ज्यादा स्किलफुल बनाया जाए ताकि ह्यूमन को हम लोग ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकें। तो वो सारी बातें आप लोग यहाँ पर सोच सकते हैं आराम से, तो यही बात यहाँ पर सोची भी गई है। ओके, तो वही सारी बातें यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि किस तरीके से किस किस एरिया को प्रायोरिटी यहाँ पर देनी चाहिए, डिफाइन की गई स्टेजेस की क्या क्या स्टेजेस होनी चाहिए, हम लोगों जो प्लान आगे लेके आएंगे, इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर होते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उन पर फोकस किया जाए, उन्हीं को फिर प्लान के अंदर रखा जाए। इसके अलावा क्या मशीनरी होनी चाहिए, क्या मैकेनिज्म होनी चाहिए जो कि प्लान को इंप्लीमेंट कर सके हर एक स्टेज पर, वो सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई। इसके अलावा देखिए प्लान हम लोगों ने बना दिया, पर टाइम टाइम पर वो नहीं होता है बढ़ाई कर देना। अगर आप लोगों के पास में कोई आसपास में बच्चे रहते हैं या फिर वाइफ रहती है या फिर कोई हस्बैंड होता है, अगर एक दूसरे की बढ़ाई कर देते हैं किसी काम को लेके, तो उनका काम करने का और ज्यादा मन कर जाता है। तो इसीलिए यहां पर भी वही बातें रखी गई कि चीजों को अप्रिशिएट करना, अगर अप्रिशिएट करना और कोई प्रॉब्लम है तो उसको बताना कि ये प्रॉब्लम है, इसको यहां पर सॉल्यूशन कर सकते हैं, इतना एडजस्ट कर सकते हैं, और कोई एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना फ्यूचर के लिए कि आप लोग अपनी ड्यूटी को इस तरीके से डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे काम किसके द्वारा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने थे। ओके, तो मैक्सिमम काम तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाना था, सब अपने अपने प्लान बनाए और ढंग से उसको इंप्लीमेंट करें। ओके, तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट बॉडी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में थी, ये भी बोला जाता था कई बार कि सेंट्रल स्टेट की दादा, सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी चलती है यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के अंदर में, इसीलिए कई बार क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता था उस टाइम पर। आप लोग देख सकते हैं जयललिता जी, कई बार जब एनडीसी की काउंसिल हुआ कर, जब एनडीसी की मीटिंग हुआ करती थी जिसको हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं, उसको वो उनको छोड़कर भी गई हैं, ठीक है। तो वही देखने को मिलता था कि यहाँ पर सेंटर अपनी दादागिरी चलाता है, हमारी कोई सुनता है नहीं यहाँ पर, तो इस तरीके से भी उसका क्रिटिसिज्म देखने को मिलता था उस टाइम पर। अब नेक्स्ट जो इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम दिया डस्टबिन, मतलब कचरे का डिब्बा। कचरे का डिब्बा क्यों बोला है, कचरे का डिब्बा इसलिए बोला गया है अगर इनको हम लोग क्या करते हैं, घर में हमारा कोई एक्स्ट्रा सामान पड़ा है उसको हमको ये नहीं पता है कि रखना क्या है, और एक तरीके से उसको ये नहीं दिखता है कि कुछ नहीं होता, बस इसको यहाँ पर डाल दो, एक स्टोर रूम भी बना सकते हैं, तो स्टोर रूम भी आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से, या फिर डस्टबिन आप लोग बोल सकते हैं कि कुछ भी काम उठा के डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। तो अगर कोई नई बॉडी इन्होंने बनाई, अगर कोई नया काम आया और वो इनको ये समझ में नहीं आया कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में इनको फिट करना है, वो उठा के प्लानिंग कमीशन के अंडर में डाल दिया करते थे ये लोग, तो ये भी बातें कई बार देखने को मिली, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर की बात यहाँ पर की जा रही है, प्लानिंग कमीशन के अंडर डाला गया, ठीक है, पहले प्लानिंग कमीशन के और लेटर फिर इसको मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर लाया गया। तो स्टार्टिंग में तो प्लानिंग कमीशन के अंडर में रखते ही रखते थे, स्टार्टिंग में जो कोई नई बॉडी मिलती थी बाद में उसको डिफाइन करते थे कि कहां पे लेके जाना है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहां पर UIDAI, जिसके बेस पर आज की डेट में आधार कार्ड चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2009 में बनाई गई जनवरी में, इसको किसके साथ में अटैच कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन के साथ में अटैच कर दिया गया। चलिए इसी के नाम पे आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, उस टाइम पर तो इसको प्लानिंग कमीशन के अंदर हम लोगों ने डाल दिया, आज तो प्लानिंग कमीशन नहीं है, अब बताइए किसके अंडर में है, ठीक है। आधार कार्ड इतना यूज में है, इतना न्यूज में है आज की डेट में, आप लोग किसी भी अगर आर्टिकल पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर का, वहां पर कहीं ना कहीं जिक्र दिख जाता है, कहीं पैन कार्ड के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो कहीं पे इनको सब्सिडी के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, कहीं फार्मर से रिलेटेड कोई स्कीम है उसके साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसका हर जगह यूज देखते हैं। तो आप लोगों को यह बताना है कि आज की डेट में ये बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जरूर आंसर आप लोगों को इसका देना है कमेंट बॉक्स में नीचे, ओके, कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं, जहां भी आप लोगों को सुटेबल लगे। फेसबुक पर जब मैं इसकी PDF डालूंगा आप लोग वहां पर भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर वीर के नाम से फेसबुक पर पेज है, @247, ठीक है, 247 नहीं 24, ये @24 वीर के नाम से, आप लोग वहां पर जो PDF अपलोड करता हूँ उसके नीचे भी आप लोग आंसर दे सकते हैं, जहां पर भी आप लोगों को सुटेबल लगे बस आंसर दिया कीजिए आप लोग, ओके। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं NRAA, ठीक है ना, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं इसको, एक तरीके से डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी, तो इसको
कहां पे रखा गया था स्टार्टिंग में, तो इसको रखा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, फिर इसको प्लानिंग कमीशन के अंडर में लेके आ गए। ओके, तो इस तरीके से यहां पर इस तरीके से ट्रांसफर भी कर दिए जाते थे सब्जेक्ट जो होते थे। तो प्लानिंग कमीशन पे अगर कहीं पे कोई सब्जेक्ट सेट नहीं बैठ रहा ना, उसको उठा के प्लानिंग कमीशन के अंडर डाल दे, इस तरीके का इन्होंने नेचर बना लिया था कहीं ना कहीं, आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी कि ये जो थी बॉडी एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी थी, एडवाइजरी बॉडी होते होते इतना काम कर दिया इसने, एग्जीक्यूशन की तो कोई इसके उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे, ओनली एडवाइज कर सकती थी ये चीजों को, ठीक है, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन की इंप्लीमेंट क्या क्या चीजें होनी है, तब इसने इतना काम कर दिया। सोचिए अगर ये भी पावर इसको दे दी जाती तो प्लानिंग कमीशन ही चलती, फिर तो कोई आसपास दिखता ही नहीं यहां पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से। अब थोड़ा बात कर लेते हैं यहां पर कंपोजिशन की। कंपोजिशन के अंदर सबसे पहली तो बात यही आती है कि इसका चेयरमैन कौन था, तो यहां पर भी कौन चेयरमैन था, यहां पर चेयरमैन थे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इसकी मीटिंग जो हुआ करती थी उसको प्रिजाइड किया करते थे, मतलब वही मीटिंग को देख रहे कि इन्हीं के अंडर में हुआ करती थी, ठीक है। इसके इसके साथ में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि इसका डिप्टी चेयरमैन भी हुआ करता था, जो कि फुल टाइम फंक्शनल हेड हुआ करता था, मतलब मैक्सिमम रेस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हुआ करती थी, ठीक है, इनको डिप्टी चेयरमैन बोला जाता था। आप लोगों को बताना है कि प्लानिंग कमीशन के सबसे लास्ट वाले डिप्टी चेयरमैन कौन थे जब इनको हटाया गया प्लानिंग कमीशन को, और पहले वाले भी बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों का आइडिया हो जाएगा। तो सबसे स्टार्टिंग वाला बताइएगा और सबसे लास्ट वाला बताइएगा, तो दोनों प्लानिंग कमीशन के आप लोगों को डिप्टी चेयरमैन के नाम बताने हैं, ठीक है, ये आप लोग जरूर देखिएगा, थोड़ा आंसर जरूर दीजिएगा, जितना आप लोग आंसर देंगे उतना ही मुझे भी अच्छा लगेगा। ओके, तो आंसर जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहां पर क्या कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि प्लानिंग कमीशन क्या किया करती थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी इनके ऊपर कि प्लान को किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, ठीक है ना, और सबमिशन मतलब प्रस्तुत करना है, जो ड्राफ्ट किया जाता था फाइव ईयर प्लान का, वो एक तरीके से इन्हीं के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी। ओके, और फिर वो सेंट्रल कैबिनेट के पास में भेजा जाता था, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो सीधी सीधी बात है गवर्नमेंट ही करेगी ना, तो सेंट्रल कैबिनेट ही इनके फिक्स टेन्योर किया करते थे, और ये कैबिनेट रैंक के ही मिनिस्टर के बराबर इनकी रैंक हुआ करती थी। अब ये काफी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट उस टाइम पर भी हुआ करता था, हो सकता है फ्यूचर में भी कोई क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड। यहां पर क्या बोला जाता था कि ये देखिए एक तरीके से नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर नहीं थे, पर इनको इन्वाइट किया जाता था सारी मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्यों, क्या रीजन हो सकता है ऐसा, रीजन ये है कंट्री की प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग के मेंबर अगर वहां पर नहीं रहेंगे, खासकर चेयरमैन वगैरह, तो क्या मतलब रह जाएगा प्लानिंग का अगर कैबिनेट की मीटिंग में वे नहीं रहेंगे। तो इनको इन्वाइट किया जाता था, पर इनके पास में कोई वोटिंग का राइट नहीं होता था। क्यों, क्योंकि ये कोई भी इलेक्टेड ऑथोरिटी नहीं है, इलेक्शन के हिसाब से नहीं आ रही है, अगर कोई इलेक्शन के हिसाब से आते तो राइट तो उसको दिया जाएगा ना, तो इस तरीके से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कोई राइट नहीं होता था कि इनको राइट दिया जाए वहां पर, तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर 4 to 7 फुल टाइम एक्सपर्ट मेंबर हुआ करते थे, ये जो टाइम है ये जो ये इनकी संख्या है ये वेरी हुआ करती थी, डिपेंड करा करता था, अगर काम ज्यादा है तो उसको 7 भी कर सकते हैं या फिर 4 रख सकते हैं उसको, ये इनके ऊपर डिपेंड किया करता था, ठीक है। उनकी रैंक जो हुआ करती थी वो मिनिस्टर की रैंक के हुआ करते थे। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरी भी हुआ करता था, जिस तरीके से आप लोग गवर्नमेंट में सेक्रेटरी देखते हैं वो एक आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे, हमेशा सीनियर आईएएस ऑफिसर, जिनके ऊपर भी कई सारी ड्यूटी हुआ करती थी यहाँ पर इसको देख रेख करने की। और जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था वो था यहाँ पर इसका प्लानिंग कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट को इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था, ये कंप्लीटली सेंटर की बॉडी थी, सेंटर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और प्लान सेंटर के द्वारा बनाए जाते थे और इंप्लीमेंट करने के लिए नीचे स्टेट में और पंचायत के लेवल पर भेज दिए जाते थे। पर लेकिन नीति आयोग में अगर आप लोगों को एक लाइन में कोई डिफरेंस पूछने को बताए कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन, तो सीधा सीधा आप लोग यही बोलिएगा कि प्लानिंग कमीशन जो थी वो टॉप टू बॉटम अप्रोच वाली थी और जो नीति आयोग था वो बॉटम टू अप अप्रोच वाला है। यहाँ पर नीचे से पूछा जाता है कि आप लोगों ने क्या प्लान बनाया, ठीक है ना, किसी गांव के किसी पंचायत से पूछा जाएगा क्या प्लान बनाया, वो आगे डिस्ट्रिक्ट में भेजे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट पे और स्टेट सेंटर पे भेजेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अप्रोच अपनाने की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर नीति आयोग को थिंक टैंक बोला जाता है कि ये सोचने वाला टैंक है जो कि सोचकर बताएगा क्या सही है, और सोच कहां से आएगी, वो हमेशा जो नीचे वाले जो तबके की जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो ग्राउंड लेवल पर वर्क करते हैं पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज, वहां से इनके लिए प्लान लेके आएंगे, फिर ये उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, तब उसको देखा जाएगा इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि टॉप से बॉटम और बॉटम से अप अप्रोच वाली दोनों में डिफरेंस आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन अगर किया जाए, स्टार्टिंग में इसको बोला था कि एक स्टाफ एजेंसी है जो एक एडवाइजरी रोल रखेगी, मतलब ओनली एडवाइज करेगी, पर लेकिन आगे चलते चलते ये सबसे पावरफुल और एक डायरेक्टिव बॉडी बन गई, एक डायरेक्शन देने लगी सबको, ठीक है ना, बहुत सारी रिकमेंडेशन इसकी मानी जाने लगी और इसको सुपर कैबिनेट की तरीके से देखा जाने लगा, प्लानिंग कमीशन के पास में सारी पावर देखी जाने लगी, इकोनॉमिक कैबिनेट भी इसको बोला जाने लगा, पैरेलल कैबिनेट, पैरेलल गवर्नमेंट चला करती थी यहां पर, ठीक है। तो एक तरीके से वो भी इसलिए क्रिटिसिज्म हुआ न लगा और इसको एक तरीके से
फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच भी बोला जाने लगा और कई सारे ऐसे नाम इसको दिए गए। वो रीजन क्या था? वो रीजन यही था, अगर कोई भी काम होता था वो प्लानिंग कमीशन की मर्जी से नहीं होता था और यही इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर भी रखा गया था। तो ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और फाइनेंस कमीशन की पावर मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, छीनने की हरकत भी की गई है प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो ये था इसका कंप्लीट लेक्चर। पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, और टेलीग्राम पर भी आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चीजें दूसरों को शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक वगैरह पे, ताकि दूसरों को भी फायदा हो जाए। इसके अलावा अपने आसपास सफाई रखिए जितना हो सके, और पानी और पेड़ पौधों को भी सेव रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।